We are going to read question number 90 of exercise 1C class 6 maths. ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 90 एक्सरसाइज 1C का, इससे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक आपको बता दिया है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 18 अभी तक मैंने आपको 1 से लेकर 18 तक के सारे क्वेश्चन बता दिए इससे पहले वाले वीडियो में. अब इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 90 बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19. तो देखिए इस क्वेश्चन में जैसा कि आप पढ़ सकते हैं दिया है, मिस्टर भास्कर सेव्स रुपीज 8756 पर मंथ. हाउ मच मनी विल ही सेव इन 13 ईयर. क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर भास्कर जो है रुपीज 8656 पर मंथ बचाते हैं, तो बताइए 13 साल में वो कितना पैसा बचा लेंगे. ठीक है, 13 साल में कितना पैसा वो बचा लेंगे. बोला क्वेश्चन कि मिस्टर भास्कर जो है वो रुपीज 8756 हर महीने बचाते हैं, हर महीने उनके पास सेविंग्स कितनी है, हाउ मच सेविंग्स पर मंथ ही हैव रुपीज 8756 सेविंग्स पर मंथ. What question is asking? Question is asking कि how much money will he save in 13 years? Question बोलना है कि 13 साल में बताइए वो कितना पैसा बचा लेंगे. How much money he will save in 13 years? ठीक है? तो let's come to discussion or solution of this question. बहुत ही simple है ये. ठीक है, ये question क्या है? बहुत ही simple है. देखिए कैसे करना है. यहाँ पे आपसे कितना पूछ रहा है कि 13 साल में 13 years में वो कितनी savings कर पाएंगे, हाउ मच सेविंग ही कैन डू इन 13 ईयर्स. तो पहले लिख लीजिए सेविंग्स, और देखिए वो सेविंग्स 13 ईयर में पूछ रहा है, और वो सेविंग्स कब करते हैं, हर महीने करते हैं. तो पहले हम मंथ को, ईयर को किसमें बदल दें, मंथ में. तो 13 ईयर इज इक्वल टू 13 ईयर्स. पहले हम ईयर को किसमें बदल लेंगे, हाउ विल कन्वर्ट ईयर इन टू मंथ. तो 13 इंटू 12 मंथ, ये कितना हो जाएगा, 13 ईयर को आप किसमें बदल दीजिए, मंथ में. तो एक साल में कितना मंथ होता है, 12 मंथ. ठीक है, एक साल में अगर 12 मंथ, तो 13 साल में कितने मंथ, 13 इंटू 12, हाउ मच, 13 इंटू 12, 2 3 6, 2 1 2, 1 3 3, 1 6, 3 2 5, 1 156 मंथ. उनकी पर मंथ की सेविंग कितनी है, सेविंग पर मंथ हम क्या निकालेंगे, सेविंग पर मंथ 8756. सेविंग पर मंथ उनकी आप देखेंगे तो यही है 8756. ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मनी कितनी सेविंग्स होंगी 13 ईयर में. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए टोटल सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल सेविंग, मतलब ये सेविंग्स है इनकी पर मंथ की, और कितने मंथ इन्होंने सेविंग की है, 13 ईयर. ईयर को जब मंथ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 156 मंथ. ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 8756 इंटू 156 मंथ, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको सिंपल. ठीक है, मल्टीप्लाई 8756 इंटू 156. ठीक है, इसको आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई. ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो आएगा रुपीज 136 5
9, 3, 6 इतनी सेविंग चाहिए 13 साल में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि मिस्टर भास्कर इतना मनी महीने में बचाते हैं, ठीक है, ₹8,756 पर मंथ, तो बताइए इन्होंने कितना मनी बचाया होगा, कब, इन 13 ईयर, 13 साल में। तो आपको क्या करना है, 13 साल को किसमें बदल देना, मंथ में बदल देना, तो 156 मंथ हो जाएगा, 13 × 12 क्योंकि एक साल में 12 मंथ, तो 13 ईयर्स में 13 × 12 156 मंथ। सेविंग पर मंथ कितनी है, रुपीज इतना, टोटल सेविंग आपको निकाल लेना है, रुपीज से मल्टीप्लाई करके जितना पर मंथ है और कितने मंथ है, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर, ओके, कॉपी इट। देखिए क्वेश्चन नंबर, हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे तो दिया है कि अ स्कूटर कॉस्ट ₹36,725, हाउ मच विल 487 सच स्कूटर कॉस्ट। बोला एक स्कूटर का कॉस्ट है ₹36,725, तो बताइए ऐसे ही अगर 487 स्कूटर है तो कितना दाम होगा, ठीक है, या फिर कितना प्राइस होगा। मान लीजिए इस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास 5 बिस्किट है, बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, एक बिस्किट का दाम अगर ₹5, तो 5 का कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, सिंपल है। या फिर क्या दिया जाए, आपके पास 5 चॉकलेट है, एक चॉकलेट का दाम अगर ₹2 है, तो 5 चॉकलेट का दाम कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाता है 2×5=10। ऐसे ही यहाँ पे भी दिया, बोला एक स्कूटर का दाम इतना दिया है, तो बताइए 487 स्कूटर्स के दाम कितने होंगे, तो यहाँ पे पहले आप लिख लीजिए सॉल्यूशन। के लिए पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर, एक स्कूटर का कॉस्ट कितना होगा, देखिए कितना दिया है ₹36,725, ठीक है, ये कॉस्ट है कितने स्कूटर का, वन स्कूटर का, आपसे कितने का पूछ रहा है, 487, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर इज इक्वल टू, क्या कर देंगे आप सिंपली यहाँ पे 487 इंटू ये कर देंगे, ठीक है, ₹36,725, ठीक, क्या करेंगे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर्स इंटू इतना इसका प्राइस, ठीक है, क्या करेंगे तो आंसर क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3672 5 × 487, इसको जब मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा तो आंसर देखिएगा ये आएगा 7535, ये आ जाएगा आपका 1788505, और ये क्या होगा रुपीज में, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वन स्कूटर, तो कॉस्ट ऑफ 487 स्कूटर क्या हो जाएगा 1788505, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, इसको कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 21 भी उसी तरह है, ठीक है, इसमें किलोमीटर आवर में दिया है और पूछ रहा है 72 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया, एन एरोप्लेन कवर 485
किलोमीटर इन 1 आवर। बोल रहा है एक एरोप्लेन है जो 1 घंटे में 480 किलोमीटर हाई डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एरोप्लेन है जो उड़ता है, ठीक है ठीक है, ऐसे उड़ता है तो वो 1 घंटे में 485 किलोमीटर कवर करता है। तो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 72 आवर। बोला कि बताइए ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा 72 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में अगर 1485 किलोमीटर कवर करता है डिस्टेंस, तो बताइए कि 72 घंटे में कितना कवर करेगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 21 ही लगा देते हैं। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, 22 बाद में लगाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पहले आप लिख दीजिए सॉल्यूशन, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, डिस्टेंस कवर इन 1 आवर इक्वल टू फोर हंड्रेड एटी फाइव। उसके बाद डिस्टेंस आपसे कितना पूछ रहा है, 72 आवर, तो लिख दीजिए 72 आवर। यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई 14 × 25 × 72। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 1069 किलोमीटर। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन 21 का बोल रहा था वो इसका सोल्यूशन लगा दिया है। बोला था कि वो डिस्टेंस 1 घंटे में इतना कवर करता है 1485 किलोमीटर। पूछ रहा था बताइए 72 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो सिंपली 485 × 72। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 21 था। अब क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद से लगा लीजिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इतना, इफ वन ऑफ द नंबर इज 364 फाइंड द अदर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर दो दो प्रोडक्ट का नंबर अगर इतना है दिया है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 364, अगर उसमें से एक नंबर 364 है तो फाइंड द अदर, दूसरा आपको बताना हो। ठीक है, उससे पहले इसको आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, कॉपी क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपको दिया है, और इसमें बोला है वन ऑफ द नंबर इज 364, बोला है वन नंबर इज इक्वल टू 364।
क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द अदर नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, तो आपको सिंपली कुछ करना नहीं है, अदर नंबर आपको पता करना है, तो आपको डिवाइड कर देना, क्या करना है डिवाइड, ठीक है। तो आप यहां से लिख दीजिए, अदर नंबर इज इक्वल टू 1341 4 0 8 डिवाइडेड बाय 364, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है ये, ठीक है, और अदर नंबर जो दूसरा नंबर दिया गया है ये है वन नंबर, उसमें से क्या है ये बोला, अदर नंबर क्या होगा, व्हाट इज द अदर नंबर, तो सिंपली अदर नंबर आपको अगर पता करना है तो इस वैल्यू में आपको इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो कर दीजिए यहाँ पर डिवाइड, जब आप डिवाइड करेंगे इसको, डिवाइड ऐसे होगा 1341 4 0 8 डिवाइडेड बाई 364, ठीक है। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में जाएगा 3 times 3 4 12 3 6 18 190 3 3 9 9 1 10, ठीक है, 0 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 this is 3, ऐसे जब आप करेंगे, ठीक है, जब आप इसको पूरा करेंगे तो यहाँ पे आएगा, देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 6 8 7, ठीक है। जब आप 1 3 4 2 1 4 0 8 में 364 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 6 8 7 2, 3 6 8 7 2, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 कॉपी कर लीजिए इसको, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट रुपीस इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट, बोला है अगर 36 फ्लैट का कॉस्ट इतना रुपीस है तो हर एक फ्लैट का कॉस्ट कितना होगा, ठीक है। बोला है जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है, और हर एक चॉकलेट का दाम अगर 2 रुपीज है, ठीक है, बताइए इस तरह आप, या फिर आप कह लीजिए आपके पास इस तरह, इसमें क्वेश्चन में दिया है 36 फ्लैट कॉस्ट रुपीज इतना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट, तो इसमें क्या पूछा है ईच फ्लैट का, मान लीजिए ईच चॉकलेट का दाम अगर आपसे पूछा जाए तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट, आप लिख लीजिए कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट इज इक्वल टू रुपीज 6825150. देखिए क्या है कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट, 36 फ्लैट का कॉस्ट अगर इतना है
तो आपसे क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट। अगर आप कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट चाहिए, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट इज इक्वल टू 6825150/36। ठीक है, आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड। क्यों, क्योंकि आपके आपके पास क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट का प्राइस दिया है, और आपसे किसका पूछ रहा है, ईच फ्लैट का आपसे प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, आप सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब आप कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट निकालेंगे तो वो आएगा, डिवाइड करेंगे तो अरे यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर देंगे 36 into 6825100। ये जब जाएंगे तो ये जाएगा 1 times 36 जाएगा 8 times 8 6 8 6 48, ये लगे लगे 48। ठीक है, ये जब आपको कुछ जाएंगे और आगे तक, ठीक है, जब सॉल्यूशन को और आगे करेंगे तो आंसर आएगा, देख लीजिए। ये हो जाएगा ₹1,89,585। फिर जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट ₹1,89,585। ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसे दिया था, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट आपको दिया था। ठीक है, और आपसे कितने का कॉस्ट पूछ रहा था, कॉस्ट ऑफ ईच फ्लैट आपसे।